जीपीएल न्यूज टुडे गोपालगंज की धड़कन, अपने भाषा की पहचान। गोपालगंज जीपीएल न्यूज टुडे पर खबर दिखाने के बाद डॉक्टर, समाज सेवियों और अफसरों का तांता लग गया है। आपको बता दें कि कल हमने एक 13 वर्षीय लड़की, जो कि गोपालगंज के माझा प्रखंड के मधुपसरिया गांव की रहने वाली है, जो गरीबी और बीमारी के मारे जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी, इस खबर को हमने प्रमुखता से चलाया था, जिसका असर महज 18 घंटे बाद ही दिखने लगा। सविता गोपालगंज में सड़क के किनारे बीमारी की हालत में बैठी हुई थी, जो इलाज के लिए गोपालगंज आई थी। सविता के पास पैसा ना होने के कारण सविता सड़क के किनारे बैठ भीख मांग रही थी। तभी हमारे जीपीएल न्यूज टुडे टीम की नज़र उस लड़की पे पड़ी और फिर जीपीएल न्यूज टुडे की टीम सविता के घर पहुंची। और जब घर पहुंचकर देखा तो ना खाने के लिए अनाज था और ना इलाज के लिए पैसे। वह तिल तिल कर मर रही थी। जब जीपीएल न्यूज टुडे पर खबर चली तो सबसे पहले गोपालगंज जिले के जिला परिषद अध्यक्ष मुकेश पांडे जी मदद के लिए आगे आए। मुकेश पांडे हमारी टीम के साथ संपर्क किया और उस लड़की के घर आर्थिक मदद पहुँचवाई, जिसके बाद माझा प्रखंड के वीडियो के सौजन्य से डॉक्टर की टीम और अफसरों का दौरा शुरू हो गया। देखते ही देखते सविता का इलाज शुरू हो गया। कई डॉक्टर तो उसे अपने प्राइवेट नर्सिंग होम में इलाज करने की बात कर रहे हैं, तो कोई मदद के लिए पैसे दे रहा है। अब सविता के जीने की इच्छा फिर से जग उठी है। आज ही सविता और उसकी माँ ने जीपीएल न्यूज टुडे की टीम को धन्यवाद कहा। अभी सविता का इलाज गोपालगंज सदर अस्पताल में चल रहा है। ब्लड बहुत कम आए, 4.8 है, इसमें जो है ब्लड चढ़ाना है, क्योंकि ब्लड लगेगा इसमें। पोटेशियम कम आए, पोटेशियम कम आए तो इसके लिए उसका ठीक काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन जब सुनते हैं कि किसी मरीज की हालत काफ़ी गंभीर है और वह किसी स्थिति में कुछ भी सारे काम को छोड़ करके आगे ब्लड डोनेट करते हैं, ऐसा ही काम इन्होंने आज किया है उस मधुसरिया निवासी उस छोटी सी बच्ची 13 वर्ष की बच्ची के लिए, जिसका क्रिटिकल कंडीशन था 4.2 ग्राम मात्र ब्लड था और उसके लिए इन्होंने आज ब्लड डोनेट करने का। क्या नाम आपका? मेरा नाम श्याम है, मैं ब्लड डोनेट हूँ। इस डोनेशन में आपको कैसा फील हो रहा है और कैसी जानकारियाँ मिली आप लोगों को? बिल्कुल सही है, हम लोग पिछले 3 साल। अब क्या कहेंगे उसके बारे में, आपको कहाँ जानकारी मिली, कैसे आप? जैसे मुझे अपने इलेक्ट्रिक मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है जिक्र के द्वारा कि किसी बच्ची की तबीयत बहुत ही गई खराब है, जिसको जैसे लीवर के जैसे इन्फेक्शन टाइप का था, उसको ब्लड 4.2 था, जिसको ब्लड डोनेट करना बहुत ही जरूरी था क्योंकि वो जीना चाहती थी। इसकी वजह से हमको जैसे अच्छा लगा कि किसी अच्छे कामों के लिए अच्छा काम करना अच्छा चीज़ है, तो मुझे अपने दोस्तों से मैंने पता किया और मैं फिर में आके मैंने ब्लड डोनेट किया। क्या नाम आपका? मेरा नाम पूरा नाम हुआ आनंद कृष्णमूर्ति। जाके बोला के सब लोग के लिए हम बोलस तो आई लो तो दवा होता है, इलाज शुरू हो गया, अब लगो तो हम ठीक हो जाए, सबके धन्यवाद। के कल रहे घरे आए हम वीडियो साझा के सरपंच डॉक्टर ठीक। का नाम बता? सविता कुमारी बन सबके पूछे अपना तब केहू ना उतर हम लोगों के धन्यवाद देते हैं। आज ये वीडियो डॉक्टर क्या देखने लोग पता कह के लगते।
हम अपना खाए के मांगत रहे, अभी बहुत अच्छा लगता, धन्यवाद भगवान बने से भी तो बचा ली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहता नहीं, हमारा छः मार से मारता नहीं, क्यों देख लिया नहीं कि हमारा माई लगे पैसा नहीं थे, सभी आदमी आए ला तो हम बोला से बोला के लेके आके सादे हॉस्पिटल में ले आके भर्ती कर लेगा, अभी जैसे गोरखपुर ले जाए सभी के हमने के बहुत मदद दिले, धन्यवाद करता है।